सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज है 27 सितंबर और आज पता है तुम्हें संडे है, तो संडे का मजा किसके साथ? कुछ नया करने के साथ। क्या क्या आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने बीएड काट लूँ या फिर शेप में लाऊँ या फिर क्लीन कर दूँ, और सोचते ये भी रहा हूँ कि अपने बालों को भी थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर ही लूँ, नहीं तो मेरे को बहुत बड़े हो रहे हैं बाल, मुझे भी पता है। नहीं तो मैं सोच रहा कुछ बड़े करूँ, बड़ा बाल करने की सोच रहा था मैं, पर वैसे ही सबके सब कह रहे हैं कि कटवा ले बाल, तो मैं देख रहा हूँ आज थोड़ा सा शेप में बालों को भी ले आऊँ और अपनी बियर्ड को भी ले आऊँ, नहीं तो मैं क्लीन करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रिएक्शन क्या होगा घर वालों का। तो रिएक्शन का तो कुछ नहीं पता, सबके सब बोलेंगे कि यार ये क्या कर लिया तूने, पर मुझे तो लग रहा है कि वीडियो बनाने के बाद मैं शायद अगली वीडियो बनाने में शायद 1 हफ्ते लग जाएंगे, पर कोई नहीं, मैं अपना कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू सो मच। दो मम्मी, मैं वैसे आज कटवा लूँ बियर्ड, दाढ़ी, बाल भी कटा। तो दाढ़ी मतलब ऐसे बताओ कि क्या करूं, क्लीन कटवाऊं या शेप में कटवाऊं, मुझे बताओ। बिल्कुल क्लीन। भाई ये मूंछे रहने दो, बाकी साफ। मैं पागल अंकल लगते हैं उसे, मूंछों में लगते नहीं लगते अंकल लगते हैं, मैं सच्ची में कह रहा हूं। अरे एक दिन कटवाया ना, पूरे क्लीन कर लो। कर लो मूंछे भी कर दो। तू इतना हंसेगा ना मेरी शक्ल देख के, हाँ देख शक्ल दिखी, तो ये अभी से हंस रहा है तू। हंसने वाली बात क्या है, मुझे तो पता है ना, मुझे पता है मैं कैसे लगता हूँ। अभी जो 20-22 साल के लग रहे हो, वो लगोगे तो नहीं कम से कम? तो हूँ तो मैं अभी, तुम्हें भी पता है 20 का, यार 2 साल ऊपर ज्यादा, 2-3 साल कम हो जाऊंगा। अरे तू दाढ़ी में वैसे लगता है ना, दाढ़ी कटवा लो ना फिर, और क्या। अभी 3-4 तेरे से भी छोटा लगूंगा, मैंने कटवा लिया था, सही कह रहा हूँ तो क्या हो गया, सही है ना, इससे भी छोटा लगूंगा तो सही है, और क्या। बड़ा जितनी कम है सही है। एक हफ्ते तक वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। उसका क्या, क्यों वीडियो नहीं बना पाओगे, पहचान ही नहीं पाया कोई। फिर चलेगा यूट्यूब चैनल, फिर बोलेंगे इनोंदी बोला, कहेंगे यूट्यूब चैनल खरीद लेंगे किसी और ने। तो मैं क्या करूं फिर, बाल भी कटवा लूं और क्लीन कर दे, अच्छे से काट दे। नहीं तो मैं सोच रहा हूं पहले ना, पहले ये कट काटता हूं फिर दिखाऊंगा, फिर से मूंछें काटूंगा। जी यार बाल, पहले बाल कटवा के आ जाता हूं ना, जब वही साफ करवा देना। अरे यार बहुत अजीब सा लगता है मेरे को, वहाँ पे मत कटवाना, वो करना सैनिटाइजर वगैरह ले जाना ऐसे, अरे वो कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं। तो चलो मैं करता हूँ फिर, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ कटवाने के लिए। ठीक है, कटिंग करके ला। तो एक तो समझ नहीं आ रहा कैसे कटवाऊं, बहुत बड़े बाल हो रखे हैं वैसे, थोड़ा सा लुक भी दिखा देता हूं पहले कैसे हो रहे हैं मेरी दाढ़ी के और बालों के कैसे हो रहे हैं। ठीक है, दिखाता हूं, कट करवा दे। फौजी कट है बाबा, ट्रेंड दो दखुल पर, दखुल पर आप जैसे मेरे वैसे करते हो ना। ना तैयार तो नहीं चाहमा यार, तू जा यार। तो यार मैं तुमको दिखा देता हूँ मेरी बीएड का क्या हाल हो रखा है, बाल तो वैसे बहुत बड़े हैं ही, वो भी देख लेना, और बीएड भी दिखाता हूँ कैसे कितनी बड़ी हो रखी है। तो जब मैं क्लीन करूंगा तो वो तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसा लग रहा हूँ, क्या लग रहा हूँ, पर उससे पहले का देख लो कैसा लग रहा हूँ, देखो दिखाएगा। और अगर आप पहचान पाओ कि मैंने किसकी तरह करी है तो कमेंट करके बताओ, पर थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना। और बाल भी थोड़े दिखा दे, बाल भी कैसे बने। अगर बालों का भी लुक पहचान पाओ तो ठीक है, बाकी बियर्ड का भी आप पहचान सकते हो, पर बात यह कि डिफरेंस है थोड़ा सा, ध्यान रखना थोड़ा डिफरेंस है। तो यार बहुत मेहनत से 6 या 7 महीने हो गए तब से बाल बढ़ाए, नहीं तो मैंने इतने कभी बढ़ाए नहीं थे। बाकी आपको दिखाता हूँ बाल कटवाने के बाद मेरा कैसे लुक आया, क्या है दिखाता हूँ। काफी बंदे तो हंसेंगे देखते हैं। ठीक है, तो यार बाल तो मैंने कटवा लिए और बीएड भी कटवा लिए, मैंने क्लीन करवा दिया, अब देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है घर वालों का। अभी तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट मेरी रिएक्शन दिखाऊंगा घर का कि मम्मी दीदी सबके सब क्या कह रहे हैं। ठीक है, दिखाता हूँ आप सबको, अभी तो मैं नहीं दिखा रहा आपको, उन सबके सामने दिखाऊंगा आप सबको। तो दिखाता हूँ क्या हुआ है रिएक्शन। अरे बाहर से आया मम्मी भी लग रहे सही सही लग रहे सही लगे मुझे तो सही कौन है कौन है भैया बाहर जाओ क्या काम बाहर जाओ बाहर क्या कौन हो आप जी मैं खामा था कौन हो जी मैं खामा था अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो जी मैं खामा था बताया तो अभी तो घुस रहा हूँ बाथरूम में लग रहे में सही बताना ये इसको पूरा क्लीन कर दूँ सही है? सही लग रहे हो भैया, जवान लग रहे हो जवान अब। वाह जवान, ये देखो जवान अब आज नहीं बुड्ढे थे पहले। तो मम्मी बता दो ठीक लग रहे नहीं लग रहे हैं? लग रहा हूँ 15 साल का
10 साल का तो मतलब लग रहा हूँ बाल का। चलो फिर मैं जरा नहा के आ जाऊँ यार, ठीक है मैं। और उसके बाद यार एक काम, घर का काम कुछ करवाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है वो भी दिखाता हूँ। यार घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था तो स्विच बोर्ड वगैरह लेके आ रहे थे तो मैं भी लेके आ गया हूँ। तो जस्ट अभी मैं लेके आया क्योंकि घर में काम करवाना है ना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है कि कभी कभी करंट लगने का कोई डर होता है, तो उससे बढ़िया क्या है स्विच बोर्ड चेंज करवा लो, तो मैंने वही चेंज करवाया। तो यार सामान तो मैं लेके आ गया, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताएं, अगर बेकार लग रहा हूँ तो कमेंट में ना बताएं, अगर नहीं करा तो समझ जाऊंगा। तो यार अभी मैच स्टार्ट कर रहे हैं, हम छत में अभी आ गए। तो मेन बात ये थी कि अभी जो हम घर में काम होने वाला था इलेक्ट्रिसिटी का वो अभी नहीं हो रहा, कल होगा। जिनको बुलाया था वो कह रहे थे कि आएंगे, फिर उनको कॉल नहीं लग रहा, तो शायद कल आएंगे या फिर पापा कह रहे थे मैं खुद ही कर दूंगा क्योंकि कल पापा की छुट्टी होगी। तो ठीक है पापा करेंगे, तो बाकी अब हम देखते हैं क्या करते हैं। खेलने का हमारा प्लानिंग बन चुके। तो रौनक ये बता तेरी आज की टीम कौन सी, आज राजस्थान और किसका मैच है? पंजाब है, पंजाब है तेरी, और मेरी कौन सी है? राजस्थान। तो अभी राजस्थान की तरफ से मैं भी खेल रहा हूँ, ठीक है। कितने मैच होंगे अभी, 3 या 5 जल्दी बता। 5। चलो 5 मैच होंगे, जो जीतेगा समझ लो वो ही जीतने वाला, शाम के टाइम उसका पक्का होगा। अब देखिए कौन जीत रहा है क्या जीत रहा है, लास्ट में मैं डालूंगा क्लिप में बताऊंगा कौन जीत रहा है, ठीक है। कुछ छोटे मोटे दर्शक भी आ रखे मैच देखने के लिए, उनका नाम है, एक का नाम है बनी और एक का नाम है कुकी। देखते हैं कुकी क्या करती है। और सबसे पहली बात, जब हम खेल रहे होंगे तो ये भागेगी इधर उधर, तो इसको ना लग जाए तो हम इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। और कुकी गो अवे, नहीं सुनते करिए मैं खाऊंगी, ठीक है खा ले खा ले, और हमें खेलने दे। तो यार आप सभी को रूल का तो पता ही है, हम जहाँ का चौका छक्का रखते हैं, ये ऊपर का क्या रखा है हमने छक्का, नीचे का चौका, और यहाँ के दो रन, और भौक मत सारे, कौन भौक रहा है? श्यारपति नहीं, श्यारपति नहीं। बाकी आप सबको पता ही होगा विकेट का तो हम जो रखते हैं नॉर्मली नहीं जो विकेट रखी हुई है, ठीक है, मेरे लिए छोटी है और इसके लिए बड़ी है, ठीक है रौनक के लिए बड़ी आउट होगी, जरूर, ठीक है। और पीछे का भी थोड़ा सा हम चेंज करें किसी चीज का, कि पीछे का भी चौका चक्का रख ही लेते हैं यार, यहाँ का चौका है नीचे का और ऊपर का चक्का है, ठीक है। तो हमारा मैच देखिए, आप सबको मजा आने वाला है। ऊपर लगी कहते हैं तो भाई शॉट खेलने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं खेल रहा हूँ, रौनक तो मजाक कर रहा है। तो ये लास्ट मैच है, तो राजस्थान जीतने ही वाली है और पंजाब को चाहिए कितने, 58 रन का टारगेट है। देखते हैं कैसे हारते हैं, देखिए अच्छे से। तेरे पड़ेगा भी पता है इधर है, तो क्या बोला था मैंने, इसके दो जो है इतना आउट होगा, यहाँ लगे पता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आज जीतेगी राजस्थान। जैसे कि कल भी मैंने प्रिडिक्शन करी थी वो मेरी गलत निकली, पर आज की अच्छी निकलेगी, जीतेगी कौन, राजस्थान। तो अभी कुछ कहना, देखो पंजाब जीतेगी, तो ये बस उम्मीदों में है, बस उम्मीदें लगाओ, बाकी सब जानते हैं कि है। अरे तो देखना आज कौन चलने वाला, मजा आएगा आज। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कल लेके आता हूं नया व्लॉग, ठीक है।